हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा जी, आज की मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा ट्रैम के बारे में, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रैम में जो है कैसे ट्रैवल करते हैं और कैसे टिकट वगैरह लेते हैं। तो ये मैं अभी, जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, स्ट्रैटफोर्ड के स्टॉप पर खड़ा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि टिकट वगैरह कैसे लेते हैं और कितने पैसे का मतलब कि टिकट मिलता है और किस हिसाब से यहाँ पर जो है ट्रैम में ट्रैवल करना पड़ता है। तो चलें आप फिर आएँ, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जब आप ट्रैम के स्टॉप पे आएंगे तो ये आपको एक मशीन सी लगी होगी, और ये टच वाली मशीन है। इधर से आपका जैसे बैंक कार्ड ये होगा, ठीक है, और आप जो है ये बैंक कार्ड यहाँ पे टच कर सकते हैं और जा सकते हैं। अभी मैंने टच तो नहीं करना, ये एक तरीका है ट्रैम पे जो है आने का। दूसरा तरीका ये है जी, ये इधर मशीन्स लगी हुई हैं, ये टिकट की मशीन आपको नज़र आ रही है, और ये साथ आपने टाइम देखना है। फर्ज करो अगर आपको ऑटरिंगम की चाहिए तो ये टाइम साथ चल रहा है ऑटरिंगम का, यह जी 4 मिनट्स में आएगी। और ये जो है टोटल ट्रैम स्टॉप है यहाँ पर, इस स्ट्रैटफोर्ड वाले स्टॉप पे भी मैं खड़ा हूँ। और अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ, ये आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे मैप देखना है ये सारा जैसे आपको, और आपने चेक करना है कि आप कौन से स्टॉप में अभी इस टाइम, जैसे ये इन्होंने मैप लगाया हुआ है तो ये हम स्ट्रैटफोर्ड वाले स्टॉप पे हैं। तो ये आपने चेक करना है कि कौन से जोन में ना अभी आप खड़े हुए हैं। जैसे ये ग्रे सा कलर है, ये 3 जोन है, 2 जोन है, 1 जोन है, तो ये अभी हम है जी जोन ये 3 में आ जाता है। तो अभी जैसे फ़र्ज करो अगर आपने यहाँ से स्ट्रैटफोर्ड से ऑटरिंगम जाना है, तो फिर आपने देखना है कि जो ऑटरिंगम वाली लाइन है वो देखनी है आपने, और टिकट आपने बाय करना है जोन 3 का और 4 का, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑटरिंगम 4 में आता है, तो 3 और 4 का टिकट आपने बाय करना है। ये है जी कोरोना वायरस के इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं, और ये टाइमिंग वगैरह दी हैं मैं 22nd of March से, ये थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। ये अच्छा जी, ये आपको जो है ये प्राइसेस हैं, और ये जोन्स की लगी हुई है, जैसे सिंगल एनी टाइम 140, ये 1 और 2 जोन के इतना है। अच्छा, उसके बाद फैमिली डे 520 और 7 डे का आपको 1760, 2 जोन का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जोन के हिसाब से टिकट है। और ये है जी 4 जोन्स का, 3, 2, 3 एंड 4। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपने जोन देखना है, ये जैसे इधर का 2 एंड 3 है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टिकट कैसे लेना है। अच्छा जी, ये इस मशीन पे अभी आपको दिखाया था, ये आ गए हैं जी जोन। अभी जैसे हम ये 3 पे हैं, जैसे स्ट्रैटफोर्ड पे लेस से मैंने जाना है जी ऑटरिंगम, तो ये स्ट्रैटफोर्ड जो है 3 है, ये जोन 3, तो 3 और 4 काम लेंगे, ठीक है जी। और ये है जी 3 और 4 का, इधर से ये आपने टच करना है, और ये इसने दिया हुआ है कि 1 डे ट्रैवल कार्ड, अडल्ट सिंगल, अडल्ट 1 डे ट्रैवल कार्ड, 7 डे, ये जैसे जोन का है। और अगर आप एक दिन के लिए फ़र्ज करो ट्रैवल करते हैं तो ये 1 डे आ गया, ये आके आपने डाल देना है जी अडल्ट, अडल्ट कितने मतलब के चाइल्ड हैं और कितने, 2 करके 620 प्राइस आ गई। और ये फिर आपने या तो अपना कार्ड यहाँ पे, अगर बैंक कार्ड है तो बैंक कार्ड यहाँ पे डालना है, अगर आपके पास कॉइन है कॉइन यहाँ पे डालने हैं। और ये नोट्स के लिए जगह है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे अभी है, ये यहाँ पे नोट आपने डाल देना है ऐसे करके, सॉरी ये। और इसी तरह और भी जो है डिफरेंट पासेज हैं वीकेंड का,
ये अच्छा, इधर आप लैंग्वेजेस भी आपको मिल जाएगी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोलिश, एनी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं टिकट इस वेबसाइट पे जाके, तो ऑनलाइन आप कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और दूसरा इस मशीन में ऑप्शन ये है कि ये कंबाइंड ट्रैवल भी, जैसे अगर आप ट्रैम और बस और रेल तीनों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, ट्रैम बस ट्रैम ट्रेन। तो जैसे अभी ट्रेन और ट्रैम में अगर आपने ट्रैवल करना है तो ये 9:30 है जी ट्रैवल डे कार्ड। अच्छा, ये डे कार्ड है, पूरे दिन के लिए डे पास बनता है। और इसके अलावा अच्छा जी, ये इसी तरह फिर मैं आपको फैमिली टिकट्स का बताता हूँ। लेट्स से आपको जून 2 और 3 और एनी फॉर एग्जांपल लेना है आपको, और ये है जी 7 डे ट्रैवल अडल्ट कार्ड 1 डे, ये 7 डे पे आप करेंगे तो ये तो वीकली आ गया। और फिर इसी तरह है जी ये 3 और 4 का आ गया, सिंगल अडल्ट चाइल्ड डे ट्रैवल कार्ड अडल्ट, ये 7 डे का ये आ गया £15। तो ट्रैम वैसे इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है, चीप ही है, पर यह है कि थोड़ी सी क्विक सर्विस है ये, जैसे अभी 1 मिनट में आ रही है, एवरी 10 मिनट में आती है। और हालांकि अभी कोरोना वायरस की वजह से भी जो है काफ़ी अच्छी मतलब इनकी सर्विस है। और ये अच्छा आपको दूसरी बात ये बतानी थी, ये जैसे मैप में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अगर आप किसी और जगह हैं, जैसे Zone 1 में है, 2 में है, 3 में है, तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है। अगर आप फ़र्ज़ करो ये इस जगह पे ओल्डम में है तो 3, 2 और 1, ठीक है 3, 2, 1 का आपने लेना है, और ये तो सिटी सेंटर का एरिया आ जाता है। इसी तरह जैसे आप ये अभी आपको बताया था कि जून जो है 2 का 2 में हम सॉरी 3 में है, और ये इसमें 3 में आप जो है ये सारे में ट्रैवल कर सकते हैं उस पास पे। और अगर आप जून 2 और 3 लेंगे तो फिर आप ये जो जून 2 पूरे में ये जितने स्टॉप्स हैं इनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सारे जून्स का ऑल डे जून्स का दे लेते हैं 4 जून्स का, तो फिर आप ऑल जून्स में ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये मेन चीज़ आपको ये है कि मेन चीज़ लाइन देखनी है आपको, जिस तरह अभी आपने फ़र्ज़ करो कहीं जाना है तो जैसे टिम्पली जाना है तो ये ऑटरिंगम लाइन होगी, जैसे ये इधर ऑटरिंगम आया हुआ है, तो इस तरह आपने चेक करना है। और अगर आपने ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट भी जाती है, ये एयरपोर्ट जाती है, तो आपने एयरपोर्ट वाली लाइन, अभी जैसे हम यहाँ पे हैं तो ये स्ट्रैटफोर्ड से आप चेंज करेंगे जी, इस तरफ जाएंगे कॉर्नब्रुक से चेंज करके, ये जो ब्लू सी जा रही है मैनचेस्टर एयरपोर्ट, ये भी जाती है, ये आ गया जी एक और ऑटरिंगम वाली। तो ये है जी इधर का ट्रैम का सिस्टम। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ट्रेन में राइड करके भी बताएंगे कि कैसा सफ़र है इसका। ये भी इसके बाद जो है 20 मिनट्स के बाद है, चले ठीक है जी। दोस्तों अगर आपको आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चले ठीक है जी, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।